किंतु आप ये क्या कर रही हैं मंदोदरी? रुक जाइए। अवश्य रुक जाऊंगी स्वामी, किंतु मंगलदेव के रुकने के पश्चात। बोलिए स्वामी, क्या आप मुझे वचन देंगे? उचित है देवी, मैं मंगलदेव को अपने दिए हुए कष्टों से मुक्त करता हूं। आप धन्य हैं स्वामी, आपने मंगलदेव को मुक्त कर दिया। मंगलदेव, अब आप मेरे दिए हुए कष्टों से मुक्त हैं। किंतु स्मरण रहे देवी, ये सिर्फ मेरे दिए हुए कष्टों से मुक्त है, मेरे बंधनों से नहीं। मैंने अपना वचन निभाया, अब तो आप प्रसन्न हो जाइए देवी। इस समय मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, ताकि मैं मंगलदेव को सदा के लिए मुक्त कराने का कोई उपाय ढूंढ सकूं। हाँ स्वामी, मैं प्रसन्न हूं। निराली, स्वामी महादेव का प्रसाद। हर हर महादेव। तनिका बाप, जल भी पिला दीजिए। क्या कारण है भाई कि नर्मदा नदी का एक भी बूंद जल आपके कमंडल में आना नहीं चाहता? क्या बताऊं पुत्र, कितनी निष्ठुर है वो। इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधित? किंतु आपने ऐसा क्या किया कि नर्मदा नदी आपसे इतनी क्रोधित है? भूल किसी और की थी और दंड मुझे भोगना पड़ रहा है, किंतु आप किसी को बताने से क्या लाभ? आप मुझे बताइए माई, यदि मैं आपके दुख का समाधान कर सकता हूं तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। वचन देकर एक कमंडल जल तो ला ना सके और बात मेरे दुखों के समाधान की करने लगे। आप मुझे अपना दुख बताइए माई, अगर मुझे उचित लगा तो एक कमंडल जल के माता नर्मदा को आपके समक्ष खड़ा कर दूंगा। तो सुनो पुत्र, एक विचित्र कथा सुनाती हूँ। यदि कथा सुनकर तनिक भी मैं दोषी लगूं, तो मेरी सहायता कदी न करना, और मैं निर्दोष लगूं, तो अपने वचन का अवश्य पालन करना। बात उस समय की है जब महादेव बेखल पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? किनसे पूछूं? ये कौन है जो इस प्रकार ध्यान में लीन है? ये ना कोई साधु लग रहे हैं, ना ऋषि। तो क्या ये मेरे पिता हैं या कोई देव? हे देव, मैं कौन हूँ?
कृपया मुझे बताइए। ये तो जाग ही नहीं रहे हैं, ये किनके जान में होंगे? मैं भी जान लगाऊंगी। अपने ध्यान से जागो पुत्री। प्रणाम महादेव। सदा सौभाग्यवती भव पुत्री, तुम मेरे श्वेत जल से जन्मी, अतः तुम जल से जगत के समस्त नर मादाओं का कल्याण करने वाली नर्मदा कहलाओगी। यदि प्रलय आ गया और इस पृथ्वी का विनाश भी हो गया, तथापि भी तुम अविनाशी रहोगी। समस्त ब्रह्मांड के देवताएं आकाश से पृथ्वी पर उतरकर तुम्हारे तट पर वास करेंगे और तुम गंगा से भी अधिक पतित पावनी नदी कहलाओगी। पर्वतराज बेखल की कोई संतान नहीं थी, अतः नर्मदा को देखकर उन्होंने महादेव से नर्मदा को पुत्री के रूप में मांग लिया और नर्मदा बेखलराज पर्वत के आंगन में हंसते खेलते शस्त्र चलाने की कला सीखते हुए बालिका से युवती बन गई। तभी नर्मदा के जीवन में एक सखी आई जिस पर नर्मदा को स्वयं से अधिक विश्वास था, और वो प्रिय सखी जूहिला थी। प्रतीत होता है आज भी तुम पूरी तैयारी के साथ आई हो राजकुमारी नर्मदा। एक स्त्री को सदा सजग और सबल रहना चाहिए मेरे प्यारी मित्र जोहिला। क्या पता कब कौन शत्रु वार कर दे। किंतु मैं तो तुम्हारी प्रिय सखी हूं ना, फिर भी वार शत्रु वाले। नर्मदा ना प्रेम करते थमती है, ना प्रहार करते रुकती है। तुम हर बार पराजित हो जाती हो, मुझे तो स्वयं से अधिक तुम्हारी पराजय का दुख होता है। याद है मुझे, क्योंकि तुम स्वयं से अधिक अपनी तुच्छ सखी से इतना प्रेम जो करती हो। सखी और मित्र कदापि तुच्छ नहीं होते, क्योंकि एक मित्र ही तो होता है जो हर प्रकार के ऊंच नीच निर्धन धनवान के बंधन से मुक्त होता है, वो चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो। वो दूसरे मित्र के लिए एक समान होता है, और तुम्हें भी मैं अपने हृदय में स्थान देती हूँ। ये तो तुम्हारी महानता है मेरी प्रिय सखी, जो तुम मुझे इतना मान देती। मुझे गर्व है कि मैं एक निडर साहसी और परम सुंदरी राजकुमारी की प्रिय सखी हूँ। परंतु एक बात, मैं तुम्हारे इतने निकट हूँ तथापि यह भी जान नहीं पाई कि तू किसे अपना वर चुनने वाली है। यह अधिकार हमने अपने पिताश्री को दिया हुआ है, वो जिसे भी मेरा वर चुनेंगे हम उनसे सुहर्ष विवाह कर लेंगे। अच्छा अब चल, महादेव की पूजा करने का समय हो गया है। तो धन्य है नर्मदा, अवसर मिला तो तेरी ये सखी तेरे लिए प्राण तक न्योछावर कर देगी। हर हर शब्द
जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब तुमने मेरी पूजा नहीं की। आप तो मेरे जन्मदाता हैं प्रभु, अतः आपकी पूजा से ही मेरा दिन आरंभ होता है और आपकी पूजा से ही मेरा दिन पूर्ण होता है। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ नर्मदा। इस तपस्या का फल देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। कहो पुत्री, क्या इच्छा है तुम्हारी? आपसे क्या मांगू प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, अतः आपको तो सब ज्ञात है। मुझे तो केवल इतना ही ज्ञात है पुत्री कि युवराज सोनभद्र को मैंने पमेकल राज तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है। युवराज सोनभद्र एक अति सुंदर और वीर क्षत्रिय युवक है, किंतु यदि तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो पुत्री। मैं स्वयं मेकल राज से बात करूंगा। तो क्या माई उसके पश्चात युवराज सोनभद्र और देवी नर्मदा का विवाह हो गया? यदि विवाह हो ही जाता तो इतनी बड़ी घटना ना घटती पुत्र। कौन सी घटना माई? महादेव के मुख से युवराज सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा बावली सी हो गई थी। उसके मन में युवराज सोनभद्र को देखने की इच्छा बलवती होने लगी। विवाह के पूर्व किसी भी तरह वो एक बार युवराज सोनभद्र को देखना चाहती थी, किंतु अविवाहिता का विवाह से पूर्व अपने भावी पति को देखना वर्जित था। कुछ मार्ग ना सोचकर उसे एक युक्ति सूझी। जैसे ही तुम्हारा संदेश मिला मैं दौड़ी दौड़ी चली आई नर्मदा। अच्छा बताओ क्या बात है, किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ मेरी प्यारी सखी की? सहायता नहीं, एक सहयोग की अपेक्षा है आपसे जोहिला। हाँ हाँ बताओ, कैसा सहयोग चाहिए मेरी प्यारी राजकुमारी को? तो सुनो सखी, तुम्हें उनके पास जाना होगा जो अब सदा हमारे समीप रहने लगे हैं। तुम्हें उनका मुख देख कर आना होगा जो अब सदा हमारे नेत्रों में बस चुके हैं। अर्थात युवराज सोनभद्र को मेरी दृष्टि से देखने की इच्छा तीव्र हो चुकी है मेरी प्यारी राजकुमारी की? हाँ हमारे प्यारी सखी, विवाह से पूर्व उनके समीप जाने की अनुमति हमारे संस्कार नहीं देते, अतः आपको ही जाना होगा। आपके नेत्रों से उन्हें देख लूंगी, उनकी छवि का वर्णन सुन लूंगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगी। अवश्य राजकुमारी, आपकी सखी जोहिला युवराज सोनभद्र को मिलने के लिए अवश्य जाएगी, किंतु वहां पे किसी ने मुझे रोका टोका अथवा युवराज से भेंट करने नहीं दिया तो? यहाँ आओ, ये रहे हमारे राजसी वस्त्र और आभूषण, इन्हें केवल राजकुमारी ही पहनती है। तो आप इनको पहन के जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, ये संदेश पत्र भी आप उन्हें दे दीजिएगा। अब बस तुम प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही लौटूंगी। किंतु नर्मदा की वो प्रतीक्षा प्रतीक्षा ही बनकर रह गई। ना तो उसका विवाह हुआ और ना तो जुहिला लौट सकी। किंतु ऐसा क्या हुआ माई कि देवी नर्मदा का विवाह नहीं हुआ और जुहिला भी लौट कर नहीं आई? नलिन, जाओ पुत्र माता के लिए फल तोड़ कर लाओ। जी काकराज जी। माई, उसके पश्चात क्या हुआ कि देवी नर्मदा की सखी जुहिला लौट कर नहीं आई और देवी नर्मदा अविवाहित रह गई? इसके मध्य कोई घटना हुई थी क्या? मुझे आज भी वो दिन स्मरण है जब नर्मदा ने स्वयं ही जुहिला को युवराज सोनभद्र के पास भेजा था।
मैं नर्मदा। हम जानते हैं देवी कि आप कौन हैं, ये आप स्वयं हैं या फिर मेरा कोई मधुर स्वप्न जिसका मैं विचार भी नहीं कर पा रहा। सुंदरता ऐसी भी होती है इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। प्रतीत होता है कि संसार के सभी पुष्पों ने आपको अपनी मधुरता और कोमलता दे दी। प्रकृति के सभी रंगों और सुगंधों ने घुलकर सौंदर्य का ये उपहार दे दिया। क्षमा चाहती हूँ युवराज, परंतु मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। योग्य तो वो है जिनके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अर्थात आप मेरे लिए, मेरे लिए यहाँ आई हैं? हाँ, किंतु मैं अब आगे कुछ मत कहिएगा देवी। आज ये सोनभद्र आपके सौंदर्य के समक्ष नतमस्तक होकर आपसे प्रेम की गुहार करता है। कदाचित युवराज सोनभद्र मुझे नर्मदा समझ रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा। अर्थात महाराज सोनभद्र जुहिला को नर्मदा समझ बैठे और जुहिला भी युवराज सोनभद्र के प्रेम और स्नेह को अस्वीकार नहीं कर पाई जो युवराज सोनभद्र ने देवी नर्मदा के लिए प्रस्तुत किया था। यदि आपका नाम नर्मदा ना भी होता ना देवी, तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे इस हार को स्वीकार कीजिए। किंतु इसका परिणाम क्या हुआ था भाई? उसका परिणाम निकला एक ऐसा भयंकर श्राप जो आज भी भुलाया नहीं भूला जाता। श्राप? कैसा श्राप भाई? तो सुनो, जब जुहिला बहुत समय तक नर्मदा के पास वापस नहीं लौटी तो स्वयं नर्मदा ने ही युवराज सोनभद्र से मिलने का निश्चय कर लिया। युवराज सोनभद्र से मिलने के लिए मैं सारी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए विवश हूँ, क्योंकि अवश्य मेरे प्रिय सखी के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घटी होगी, अन्यथा वो हमारे पास लौट आती। ये आपके सुंदर बालों के लिए। ये आपके उस हृदय के लिए जिसमें हम रहते हैं। ये आपके मधुर अधरों के लिए। पर मेरे लिए इतना कष्ट क्यों? कष्ट तो हमें होगा देवी यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार नहीं करेंगे। उधर देखिए। मेरा हृदय बैठा जा रहा है, पता नहीं मेरी प्रिय सखी कैसी होगी। अब तो सिर्फ मेरी प्रिय सखी के बारे में युवराज ही बता सकते हैं। हम अपनी प्रिय सखी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते।
मैं युवराज सोनभद्र के राज्य में तो आ चुकी हूँ, कदाचित वो अपने महल में ही हो। अब मुझे उनके महल जाना होगा, जहाँ से मुझे रोहिला के बारे में कुछ ज्ञात हो सके। ये तो मेरी प्रिय सखी जोहिला का स्वर है, अर्थात वो कुशल है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव, मेरी प्रिय सखी कुशल है।